अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अपन का यूट्यूब चैनल फिरोज राजा व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टाइटल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, पर उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ हम लोगों को, क्योंकि मैंने 4-5 महीने पिछले एक भी वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे मना कर दिया था कि वीडियो ना बनाओ, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, वो लोग इतना समझते नहीं है कि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। बहुत ज़्यादा लगता है, आधा घंटा लग जाता है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि यही करता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। और एक ये भी रीज़न है कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग यार। ये हम हैं, ये हमारा घर है, और जिंदगी बकवास पड़ी हुई है कोरोना की वजह से। ये हमारा घर है, हम आपको बैक से फुल, इसमें भी फुल नहीं आ रहा है, वाइड एंगल करके देख, वाइड एंगल में भी पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, गांव के घर काफी बड़े होते हैं शहर के कंपेरिजन में। ये हमारा घर है, मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा रहा हूँ, आप लोग हंसना मत, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो ये स्टोर रूम अभी बना हुआ है, तो अभी मैं खोल रहा हूँ। ये पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, ये रूम है पूरा, अंदर लाइट वाइट कुछ लगी है पर बहुत स्लो चल रहा है। ये मेरा रूम है, और भी जो स्टार्टिंग वीडियो शूट हो रही थी ये वाला रूम है, इसमें शूट कर रहा था अभी वीडियो। इस रूम में अभी मेरा रूम प्रवेश, हाँ रूम प्रवेश ही बोलेंगे इसे, रूम प्रवेश हुआ नहीं था, आप लोगों की दुआओं से मेरा दूसरा घर बन गया है, अब मैं वहाँ शिफ्ट होऊंगा, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा ये रूम। अभी मैं आप लोगों को वो रूम भी दिखाऊंगा, अभी वो बन रहा है। हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी दो वजह है। पहली वजह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा सामने फ्रंट में घर है, और ये पीछे देखो कितना कचरा हुआ है, इस ये सब पूरा कचरा। और दूसरी वजह मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये बहुत छोटा रास्ता है, एक साइकिल आ रही है एक बच्ची लेकर, देख सकते हैं ये इतना ही रास्ता है, इसमें सिर्फ बाइक आ सकती है, फोर व्हीलर नहीं आ सकती, जैसे कार वगैरह नहीं आ सकती। बस इसी वजह से हम लोगों ने घर शिफ्ट किया वहाँ पर। अंदर से घर दिखा नहीं सकता, वरना मैं आप लोगों को पूरा घर दिखाता, क्योंकि अगर भैया को पता चला तो मुझे ही घर से निकाल देंगे वो, इसलिए मैं यहाँ पर तो घर नहीं दिखा सकता, पर जो अभी बन रहा है हमारा घर वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने नए घर, ये हमारा नया घर है जो अभी बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और हम अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं पूरा एंगल से, दिखाते हैं पूरा घर, ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये मेन रोड है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये घर यहाँ पर बनवाया है। कार पार्किंग घर के अंदर हो जाएगी, और ये मेन गेट है, इधर से ही मेन एंट्री है। अंदर पहुँचने के बाद ये मेन एंट्री है, अभी वर्कर लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, और ये गार्डन एरिया है, और अभी हम रूम के अंदर पहुंचते हैं। ये अभी हम घर के अंदर पहुंच गए हैं, और ये आप देख रहे हैं बड़ा सा हॉल है, ये बच्चों को खेलने के लिए और डाइनिंग टेबल वगैरह लगने के लिए ये बनाया गया है। मैं आप लोगों को रूम वगैरह दिखा देता हूँ, कितने रूम बने हुए हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम 4 भाई हैं, और मैं आप लोगों को रूम दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि घर बनने के बाद पूरा डिटेल में हम दिखाएंगे आप लोगों को, अभी इतना मज़ा भी नहीं आ रहा होगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम शॉर्ट में रखते हैं। अभी मैं घर के सेंटर पर खड़ा हुआ हूँ, और मैं आप लोगों को पूरा रूम 360 में दिखा रहा हूँ। ये जो रूम बना हुआ है ये अम्मी पापा का है, और ये गेस्ट रूम है, और इधर ये बड़े भाई का, सबसे बड़े भाई का रूम है, और ये उनसे छोटे वाले भाई का रूम है, ये उनसे छोटे वाले भाई का रूम है, और इधर फिर ये किचन वगैरह बना है, और इधर ये मेरा रूम है, पापा के रूम के बगल मेरा रूम बना हुआ है, किचन के बगल बना हुआ है।
क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ इसलिए। और घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो मेरा रूम सबसे लास्ट में कर दिया है। ये तो रूम मैं नहीं दिखाऊंगा, अब पर अपना रूम मैं दिखा दूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मैं अपना रूम आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, ये मेरा रूम है, ये इतना बड़ा सा रूम है, और इधर ये वॉशरूम बना हुआ है। हर रूम के अंदर एक वॉशरूम बना हुआ है, और इधर एक खिड़की लगी हुई बड़ी सी। इधर से मेन एंट्री इधर से होगी, अभी जो मैंने दिखाया था इधर ये गेट बना हुआ है। बस इतना ही रखते हैं वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और मैं जानता हूँ आप लोगों को अभी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि अभी बन रहा है घर। जब बन जाएगा उसके बाद मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा आप लोगों को, तो फिर बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ तक तक देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और मेरा घर कैसा लगा, और मुझे वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के पास शेयर करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।